इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर एक पोस्ट वायरल हो गई है कि कैसे वो छोटे छोटे बच्चों को रामनवमी पे अष्टमी के दिन बच्चों को खाना खिलाया जाता है, हिंदू धर्म में मान्यता है। और वो उनकी तस्वीर में, मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ कैसे वो जूते पहन के खाना खिला रहे हैं, इसको लेकर विवाद हो रहा है। कि आप देखिए, रॉबर्ट वाड्रा हैं, जूते पहने हुए हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। और ये कोई भाई साहब हैं, सुभाष शर्मा जी, लिख रहे हैं कि इसे कहते हैं ढोंगी कांग्रेस वाड्रा, जो कन्या भोज का झूठा दिखावा कर रहा है। केरल में गाय काटकर उसका मांस भी सड़क पर खाते हैं और उत्तर भारत में कन्या भोज करते हैं, वो भी जूते पहनकर। इन बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती। ये कोई अकेला नहीं है कि वो अकेले शेयर कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो इसको शेयर कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि सियार अगर अपने रंग को रंग ले तो क्या शेर बन जाएगा। प्रियंका वाड्रा का पति रॉबर्ट कन्याओं को भोजन करा रहा है, जूते से 4 इंच की दूरी पर बच्चों की थाली है, वह उन्हें पानी पिलाने का स्वांग रच रहा है। भारत में रहने वाले इस गधे को पता नहीं कि ज़मीन पर पंगत में खाना खिलाते समय जूते पहनते नहीं हैं। वो ये फ़ोटो इस तरह की दिखाई जा रही है। और ऐसी तमाम सारी पोस्टें आप देखते जाइए कि जूते पहना कर प्रसाद बांटते। रॉबर्ट वाड्रा क्योंकि क्रिश्चियन हैं और ऐसे में हिंदू धर्म की परंपराएं उन्हें ज़्यादा पता नहीं हो सकती, तो ये तमाम सारी पोस्ट हैं जो उनको लेकर हो रहे थे। सामने की पड़ताल की क्या वाकई में उन्होंने कोई रामनवमी का या बच्चों को इस तरह का कन्याओं को भोज कराया। तो रॉबर्ट वाड्रा के हम फेसबुक पेज पे पहुँचे और ट्विटर पे भी इसी पेज का लिंक दिया गया है, उन्होंने दिया है। तो उन्होंने इस पर ये हमें पोस्ट नज़र आई। ये पोस्ट है 14 अप्रैल की। इसमें वो लिख रहे हैं कि अष्टमी के शुभ अवसर के साथ साथ, यानी ये तय है कि अष्टमी के दिन उन्होंने कन्या भोज किया, जन्मदिन सप्ताह मनाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा का जन्मदिन 18 अप्रैल को होता है। जन्मदिन सप्ताह मनाने के लिए मैंने मेरे कार्यालय के बाहर भोजन और शरबत परोसने का निश्चय किया। लोगों को भोजन खिलाकर अपनी खुशियों को बांटने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं था। एक खाना खाया, मुझे आशीर्वाद दिया, लोगों की सेवा करना एक सच्चा आनंद। ये वाड्रा लिख रहे हैं कि अष्टमी के शुभ अवसर पर, लेकिन ये नहीं कह रहे कि कन्या भोज कराया। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आप देख रहे हैं छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, और जिनको नॉर्मली अष्टमी या नवमी के दिन खाना खिलाया जाता है। और वाकई में इस, क्योंकि इन्होंने खुद ये फ़ोटो शेयर किया है, वाकई में उन्होंने जूते पहने हुए हैं और उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है। वो लिख रहे हैं, शरबत दे रहे हैं बच्चों को, कि जूते नहीं पहनने चाहिए ऐसे मौके पर। और उनके जो भी सलाहकार हैं, ये पूरा उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है, तमाम तस्वीरें शेयर की हैं इस मौके की, जहाँ वो बच्चों को खाना देते हुए दिख रहे हैं। तो इरादे ऐसे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, और ये एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया जिसमें बच्चों को वो शरबत बनाते हुए दे रहे हैं। इसके बाद भी रॉबर्ट वाड्रा ने, आप देखेंगे कि 12 पंडितों ने, जहाँ वो लिख रहे हैं कि अगली एक पोस्ट शेयर की है, 12 पंडितों ने उनके लिए एक महायज्ञ करवाया। और इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान में वाड्रा बैठे हुए हैं, इसके भी तमाम सारे उन्होंने फ़ोटो शेयर किए हैं। यहाँ वो जूते नहीं पहने हुए हैं, लेकिन वो अकेले बैठे हैं। आमतौर पर शादी के बाद, शादी कोई ऐसी पूजा होती हो जिसमें कोई व्यक्ति अकेले बैठता हो, अर्धांगिनी साथ रहती है। यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका वाड्रा नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को खाना खिलाते हुए और जूते पहने हुए थे, इस बात में सही है। ये अलग बात है कि उनके इरादे इस तरह के ना हों और उनके सलाहकार उन्हें ये सलाह नहीं दे पाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि वाड्रा आगे से ध्यान रखेंगे। और ये पोस्ट इस मामले में, जो भी लोग कह रहे हैं, भले ही गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट सही है, पोस्ट फेक नहीं है, वो वाकई में जूते पहने हुए थे। इस तरह की बाकी खबरों के लिए, आप अगर, आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई फोटो वीडियो है, तो हमें भेजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसकी सच्चाई पता करेंगे। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।